नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, मैं विमलेंदु लाइव सिटीज की ओर से। आज हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवानंद तिवारी जी से मुखातिब हैं। इनसे हम बात करेंगे कई राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, छात्र राजनीति पर और विभिन्न पहलुओं पर। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में अभी चुनाव होने जा रहा है, छात्र संघ की का ये चुनाव हो रहा है कई सालों के बाद। आप लालू जी को 74 के आंदोलन में देखे होंगे और उसके बाद उनकी छात्र राजनीति को भी आपने देखा होगा, तो उस समय की क्या राजनीति, कैसा कैंपस का? देखिए, जो चुनाव हो रहा है छात्र संघों का, इसका हम स्वागत करते हैं और इसका पूरा का पूरा सेहरा अपने गवर्नर साहब को देते हैं। सत्यपाल मलिक जी हम लोग के बहुत पुराने मित्र हैं और ये एक जमाने में मेरठ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, छात्र राजनीति से ही आए। और यहाँ आने के बाद हमको लगता है कि पहला काम उन्होंने इसी पर जो फोकस किया कि साहब किसी तरह से चुनाव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमको याद है पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का 1970 का चुनाव, 1970 के पहले पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का जो चुनाव होता था उसमें हर क्लास के जो विद्यार्थी थे वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते थे जिसको क्लास काउंसिलर कहा जाता था और क्लास काउंसिलर लोग मिलकर के वो छात्र संघ का चुनाव करते थे। 1970 में पहली दफा मैंने आम विद्यार्थी जो है वो वोटर हो गया छात्र संघ के चुनाव के लिए और उसी में लालू यादव पहली दफा जनरल सेक्रेटरी बने थे। हम लोग सब लोग लालू यादव के अभियान में लगे हुए थे और हमको लगता है कि हमने जितना मेहनत जो है उस चुनाव में किया उतना मेहनत शायद हम अपने उम्मीदवार होते तो करते कि नहीं करते, हम नहीं कर सकते हैं। और छात्र संघ के महासचिव के रूप में पहली कुर्सी राजनीति में लालू यादव को मिली। उसके बाद 1973 में वो फिर छात्र संघ के अध्यक्ष हो गए और सुशील मोदी उस 73 में ही छात्र संघ के महासचिव हुए। तो आज बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके जो एक नंबर के नेता लोग हैं वो सब उसी जमाने के से वो छात्र युवा राजनीति के जरिए ही जो है वो राजनीति के मुख्य धारा में आए, आज अपनी अपनी जगह पर नेता बने हुए हैं। तो ये उस समय से ही ये सिलसिला जो है शुरू हुआ था और उस समय एक छात्र राजनीति में भी एक कंटेंट हुआ करता था, उसमें शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा होती थी, बेरोजगारी के बारे में चर्चा होती थी, महंगाई के बारे में चर्चा होती थी। आप देखिएगा कि जो 74 का आंदोलन शुरू हुआ उसमें भी भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, ये सब जो है उसके फोकल पॉइंट थे और उसको लेकर के आंदोलन में जो है मुद्दा बना, यही बुनियादी मुद्दा, हाँ बुनियादी मुद्दा यही था। तो इसलिए ये एकदम जरूरी चीज है। देखिए, राजनीति जो है आज हर चीज को तय करती है। राजनीति ने ही तय किया कि छात्र संघ का चुनाव होगा या नहीं होगा, राजनीति ही तय करती है कि विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, ये भी राजनीति द्वारा तय होता है। पढ़ाई करने के बाद उनका भविष्य क्या होगा ये भी राजनीति ही निर्धारित करती है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके माँ बाप मैंने पूरा रोटी खा के बच्चों को भेजेंगे कि आधी रोटी खा के बच्चों को भेजेंगे भी राजनीति ही तय करती है। इसलिए कोई ऐसा जीवन का क्षेत्र नहीं है जिस पर राजनीति का प्रभाव नहीं है। इसलिए राजनीति से अलग होने की कोई बात करता है तो हमको लगता है कि वो यथास्थिति को और जो गैर बराबरी है, शोषण है, उसका समर्थन कर रहा है। इसलिए राजनीति जो है आप ये कह के कि बहुत गंदी चीज है, आप उससे अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस गंदी राजनीति को आप मदद करना है। राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, राजनीति में अच्छे लोगों की सक्रियता नहीं रहेगी तो बुरे लोग भावी रहेंगे ही। आप बुरे लोगों के हाथ में सौंप करके कि नहीं साहब हम अच्छे हैं और हमारे ऊपर कीचड़ लग जाएगा, हमारे दामन पर दाग लग जाएगा, हम अलग हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूंगा सर कि लाइव सिटीज के माध्यम से आप आज जो छात्र की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, कल वो संभव है कि मुख्य राजनीति की धारा में आए, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश, चाहे वो जिस किसी भी दल में जाए आगे
लेकिन आज वो छात्र हैं, तो आपका आशीर्वाद। हम तो एक कहेंगे कि देखिए, एक तो पढ़ाई लिखाई जो है जरूरी चीज है, पढ़ाई लिखाई का मतलब हमारा सिर्फ कोर्स के किताब से नहीं। आप जो है आज की जो समस्याएं हैं, समस्या कैसे पैदा हुई, हमारे अतीत में इन समस्याओं का जो मैंने जन्म हुआ उसके पीछे क्या कारण था, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा संकट है सिर्फ छात्रों के बीच में ही नहीं, समाज का संकट हो गया है कि हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है। आप देखिएगा किसी विदेशी को आप हवाई अड्डे पर देखिएगा, ट्रेन में देखिएगा, वो किताब हाथ पे लिए रहता है। और हमारे यहाँ घंटों हम देखते हैं, दिल्ली हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में, 18 घंटे 20 घंटे का सफर है, अखबार भी लोग नहीं रखते, चुपचाप बैठे हुए हैं बिल्कुल चुगत की तरह। तो ये जो है इससे संकट और ज्यादा बढ़ा है। आजकल हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं व्हाट्सएप से, मैंने तरह तरह की फालतू चीजें भर देती है, उसको जानते हैं कुछ नहीं है, और उसको जो है फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। हमारे यहां भी इस तरह का आता है, बड़ा हड़काते हैं लोगों को जब आप देखें कि भाई क्या कर रहे हैं। तो ये एक जरूरी है, और एक सामान्य शिष्टाचार बहुत जरूरी है। देखिए इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, समाज जिस ढंग से हिंसक होता जा रहा है, लड़कियों के साथ जिस ढंग का व्यवहार हो रहा है, 8 महीने की लड़की के साथ जो है एक बलात्कार की घटना हुई, अभी हरियाणा में जो जिस ढंग से एक 15-16 साल की लड़की के साथ उसके गुप्तांग में मैंने बाहरी चीज डाला, उसका लीवर फाड़, आंत को फाड़ दिया, विभत्स तरीका, विभत्स, ये क्या हो गया है समाज को। और हमको आश्चर्य है कि इसके बारे में कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा है। तरक्की का क्या मतलब है, विकास का क्या मतलब है, मोटर गाड़ी बनना। अगर समाज में आदमी जो है उसकी आदमीयत खत्म होती जा रही है, और उस तरफ हमारा हमारे नेतृत्व का जो है चिंता नहीं है, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, तो ऐसे नेतृत्व को चूल्हे भाड़ में झोंक देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप कहना चाहेंगे कि हम चाहेंगे एक नौजवानों को, ये जो कुछ हो रहा है औरतों को, ये इस पर वो सावधान रहे, वो उनकी हिस्सा है वो लड़कियां, और वो उनके उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि हमने देखा है लड़कियां माने छेड़खानी के डर से आत्महत्या कर रही हैं, उनके गार्जियन जो है उनको स्कूल कॉलेज छोड़वा दे रहे हैं। तो ये तो इतने दिन के संघर्ष के बाद जो आजादी महिलाओं को मिली है, वो आजादी छीनने की ये कोशिश हो रही है, उनको फिर से घर में बिठाने की ये साजिश हो रही है। तो ये छात्रों की जवाबदेही है कि वो उनकी जो माने कलीग हैं, लड़कियां हैं, उनके अधिकार की रक्षा, उनकी सुरक्षा के उनके साथ खड़े हों, ये भी उनको देखना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि नौजवान लोग इस बात पर ध्यान देंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि स्टडी हो, सियासत हो, लेकिन संवेदनशीलता बनी रहे, लोगों में लोग जागरूक हों, उनमें करुणा भी बनी रहे, जो मूल भाव है वो उसका कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।